भागलपुर के गोराडी प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बिशनपुर जीछो के छात्र रौनक सिंह मैट्रिक परीक्षा में जिले में संयुक्त रूप से तीसरा टॉपर बने। उन्हें कुल 469 अंक मिले हैं। रौनक ने बताया कि उसने स्कूल के अलावे ऑनलाइन पढ़ाई कर तैयारी की थी। उसके पिता राइस कुमार सिंह व माता सविता देवी किसान है। रौनक ने सबसे अधिक गणित विषय में 97 अंक प्राप्त किए हैं। रौनक आगे चलकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है। जिला टॉपर किस स्कूल से किए हो? उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बिशनपुर जीछो गोराडी भागलपुर। क्या रोल कोड था आपका? 31,345। क्या अंक प्राप्त हुई है? 469। कितने स्थान पे हैं आप? भागलपुर जिले में तृतीय स्थान पर। क्या बनना चाह रहे हैं आगे? इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं। मकसद आपका क्या थी पढ़ाई लिखाई में? पढ़ाई लिखाई में अच्छे अंक प्राप्त करना और आगे बहुत सफल बनना। क्या आप घर वाले के साथ साथ क्या भागलपुर का भी नाम रोशन करेंगे आगे? हाँ बिल्कुल, आगे भागलपुर का भी नाम रोशन करना चाहेंगे। बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि तृतीय स्थान जिला में टॉपर किए और इसी तरह जिला टॉपर क्या बिहार टॉपर हमारे पंचायत में रौनक जैसा लड़का आगे बढ़े इसी में हम लोग को गर्वान्वित है और मैं आगे से भी शिक्षा ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दूँगा ताकि मेरे क्षेत्र का मेरे पंचायतवासियों का हर विद्यार्थी अपने पिताजी माताजी ग्रामीण का भी नाम रोशन करे पंचायत का नाम रोशन करे आगे चल के जो लक्ष्य प्राप्त है रौनक कुमार का आगे चल के भी आगे ज़्यादा से ज़्यादा अफसर ग्रेड में या जो लक्ष्य इनका इंजीनियर का वो प्राप्त हो सके। भागलपुर के कहलगांव से विधायक पवन यादव पर 50 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई है। साथ ही नहीं देने पर जान से मारने की धमकी का कॉल एक अनजाने नंबर से आया है। वहीं प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि यह नंबर पाकिस्तान का है। वहीं जब मीडिया कर्मी ने कहलगांव विधायक पवन यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि 10:57 एक अनजान नंबर से कॉल आया और कहा कि सतीश यादव तुम्हारा कौन है। विधायक ने कहा सतीश यादव मेरा पुत्र है। फिर उन्होंने 50 लाख रुपए देने की बात कही तो विधायक ने कहा कि मजाक कोई करता होगा। उसके बाद उधर से गाली गलौज अपशब्द भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया जिसके बाद कहा कि 50 लाख रुपए दो नहीं तो तुम्हारा बेटा समेत तुमको जान से मार देंगे। मामले को लेकर विधायक की ओर से स्थानीय थाना में लिखित आवेदन दिया गया है। अभी हम लोग 3-4 लोग यहाँ बैठे हुए थे और अचानक कॉल आया तो हम लोग तो जनप्रतिनिधि के लिए कॉल आता है तो हम लोग तो रिसीव करते हैं कि ये तो हमसे पूछे कि प्रत्युष पवन कौन है तो हम बताएं प्रत्युष पवन मेरा बेटा है। बोला कि उसका भी जान मांग कितना का मांग किया? 50 लाख। मान लीजिए वो पहले नाम पूछा कि मैंने मेरा बेटा का उनसे बोला पहले प्रत्युष पवन कौन है मुझे मेरा बेटा है। इसकी कंप्लेन पुलिस को थाना प्रभारी को पहले कहलगांव फोन किए उसके बाद DSP साहब को किए सब चीज़ें जानकारी दी है। बोले कि आवेदन दीजिए वो आवेदन दीजिए। कौन सा नंबर से कॉल आया था? नंबर था +92348674773 नंबर से। क्या करना चाहेंगे इसके लिए? जब हम अभी DSP साहब को अभी फ़ोन करके बताए हैं बोले हैं कि हम लोग उस पर देख रहे हैं कि कौन कौन किया कहाँ से किया है पता कर रहे हैं पता करें। SP साहब से भी बात है SP साहब फ़ोन भी किए थे पूछ रहे थे कैसे कैसे हम बताएंगे। जैसे ऐसे तपती गर्मी बढ़ती जाती है आगजनी की घटना में बढ़ोतरी होती जाती है। हर दिन कभी खाना बनाने के दौरान तो कभी शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना सामने आती है। इस बाबत आज भागलपुर की सबौर प्रखंड के बैहार में कई बीघा गेहूं की फसल में आग लग गई। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई थी। तब जाकर दमकल की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं पीड़ित किसानों ने जमकर प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन भी किया और पूछे जाने पर बताया कि अगर दमकल टीम सही समय पर आ जाती तो शायद हम लोगों का फसल का इतना नुकसान नहीं होता। खबर लिखे जाने तक आग पर काबू पा लिया गया था। आग लगी है शॉर्ट सर्किट हुआ तार गिरा उसी से आग लग गया। 1-2 बीघा मेरा भी जल गया है और बिजली विभाग उसको 102 पे कॉल किए तो 1-1.5 घंटा के बाद आया है पूरा खेत जल उल गया तब आया है। पूरा लापरवाही किया है।
बिजली विभाग का इसमें लापरवाही है, प्रशासन का इसमें लापरवाही है कि कॉल करने के बहुत देर बाद में है। कितना खेत लगभग जल चुका है? पूरा 50-60 एकड़ खेत पूरा यहाँ सबका मिला के जल गया है। इसकी सूचना किसी अधिकारी को दिए? सीओ वीडियो कोई आया प्रखंड से? कोई नहीं आया है, सूचना सबको मिला लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है देखने के लिए। आपका कितना जला है? मेरा 2 बीघा जला है। तार शॉर्ट किया है, तार शॉर्ट करने के बाद उससे लुट्टी गिरा है, लुट्टी से ही आग पूरा पलट गया है। करीब करीब 50 एकड़ से भी ज्यादा जमीन यहाँ बर्बाद हुआ है गेहूँ। इसकी सूचना किसी अधिकारी को आप दिए थे? अधिकारी को देने के बाद करीब बहुत लापरवाही हुआ, उसके 1-2 घंटा के बाद यहाँ पे पहुँचा है। कौन पहुँचा था? जो आता है कंकर वाला आया, लेकिन वो आग खत्म होने के बाद आया। यहाँ का ग्रामीण जो है, ग्रामीण पूरा आगे उसको लाठी से पीट उठ के बचाया, उसके बाद वो आया है और वो भी थोड़ा सा किया, उसके बाद निकल गया। कितना खेत आपका जला है? मेरा तो 3-4 बीघा खेत जला है, लेकिन करीब करीब 50 एकड़ जमीन यहाँ बर्बाद। ये बिजली विभाग की लापरवाही है? बिजली विभाग की लापरवाही है। आज जो है 2 जगह, एक बैजलपुर में और एक फरक्का में आग लगा है। ज़्यादातर खेत में आग लगा है, संभवतः ये प्रकार लगता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ है। कोई जान की हानि नहीं हुई है, किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, फसल कुछ नुकसान हुआ है और इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत फायर ब्रिगेड आ गया और फायर ब्रिगेड आने के बाद इसको जल्दी जल्दी शांत कराया गया है। ठीक है। फरक्का में सर पता चला कि 50 एकड़ से ज़्यादा? हाँ, कुछ इस तरह का हुआ है, बट हम लोग इस तरह भी कोई डेटा पे नहीं बोल सकते हैं। जब तक हम लोग कर्मचारी रिपोर्ट करवाएंगे, इसका इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे और फिर देखेंगे कितना एक्चुअली में नुकसान हुआ है और किसका किसका नुकसान हुआ है। आगे की जो नियम अनुसार कार्रवाई होती है वो इस पर की जाएगी। मुआवजा भी मिल सकती है? हाँ, जो भी होता है, जो नियम बना हुआ है उस हिसाब से। बैजलपुर में एक घर जली है सर? हाँ, दिख तो रहा है कि एक जला है, तो अभी हम लोग कर्मचारी को भेजेंगे और जो रिपोर्ट होता है उसको हम लोग देखेंगे, किसको क्या नुकसान हुआ है उसको देखेंगे और उसको फिर उसके बाद फिर सरकार के द्वारा बनाया गया बहुत सारा नियम है जिसके अनुसार हम लोग कंपनसेशन देते हैं। अच्छी बात यह है कि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। फसल कुछ नुकसान जरूर हुआ है, ताकि क्योंकि आज बहुत तेज़ हवा चल रहा था, आग जो है बहुत ज़्यादा फैला, बट फायर ब्रिगेड की तरफ से तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए 3-3 फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और जितना तेजी से हो सकता था। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर की रंगरा पंचायत सधुआ चापर की जनता के द्वारा कटरिया रेलवे स्टेशन पर अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। ज्ञात होगी कटरिया स्टेशन के समीप संपार फाटक बंद करने को लेकर हो रही परेशानी को लेकर लोगों के द्वारा पूर्व में धरना प्रदर्शन करने की जानकारी दी गई थी। उनकी मुख्य मांगे है कि 9B 9C ढाला को पूर्ववत रखा जाए, जिससे कि आम जनता को होने वाली परेशानियां ना हो, किसानों को होने वाली परेशानियां दूर हो, आने जाने में उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। संपार फाटक बंद होने के बाद
स्टेशन पर ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए और प्लेटफॉर्म को ऊंचा किया जाए। दानापुर कैपिटल एक्सप्रेस का ठहराव किया जाए जो कि कोरोना काल में बंद हुई थी, उसे दोबारा चालू नहीं किया गया है। इंटरसिटी ऐसे एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव हो, स्टेशन पर आरक्षण की सुविधा भी दी जाए। पूर्व में भी लगातार यहाँ की जनता के द्वारा अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है, लेकिन कोई भी आला अधिकारी उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। क्षेत्रीय संघर्ष के नेता योगेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर हम कटरिया स्टेशन प्रबंधक के साथ साथ विधायक गोपालपुर, सांसद भागलपुर और रेल मंत्री भारत सरकार एवं रेल प्रबंधक को भी ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी मांगे अविलम्ब पूरी की जाए। देखिए, इनके इनसे पहले भी हम लोग एक धरना भर चुके हैं, इनमें 5 सूत्री मांग था ही, और नया मांग जो है हम लोग को 9B 9C जो ढाला है उनको पूर्ववत रखा जाए। और इससे पहले हम लोग जो धरना दिए थे सभी को अवगत करा दिए गए थे, लेकिन अभी तक जो है कि हम लोग का जो है ओवर ब्रिज पुल का निर्माण हुआ, न तो जो दानापुर का ठहरा हुआ, न इंटरसिटी का, न प्लेटफॉर्म ऊँचा गया हुआ गया, जबकि स्टेशन पर ये जो है ना ओवर ब्रिज का इतना ज़रूरी है कि बगल में NH 31 है, रंगरा चौक है, यहाँ मार्केट है, स्कूल है, जो छात्र छात्राएँ पढ़ने के लिए आते हैं, जो मार्केट करने के लिए आते हैं, उनको जो है ना गाड़ी इतनी दोनों बगल से लगा मालगाड़ी लगा रहता है, जो आवागमन करने में जो कठिनाई होती है, लोगों को कभी कभी सर फूट जाते हैं, कभी कभी कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ जाता है। और पुल ब्रिज नहीं रहने के कारण क्या होता है कि ये सारे कठिनाइयाँ होता है। और अगर प्लेटफॉर्म ऊंचा जो नहीं है तो बच्चे हैं, विकलांग हैं, बूढ़े हैं, गाड़ी पर चढ़ नहीं पाते, सभी को परेशानियाँ होती है, बहुत परेशानियाँ होती है। और इतना ही नहीं है, अब मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी हमारे लोग यहाँ पटना में पढ़ते हैं और या कोई वहाँ नौकरी करते हैं, आने जाने में ये जो है ना ये भी जो एक्सप्रेस का ठहराव नहीं है, एक्सप्रेस के ठहराव के लिए सांसद महोदय जी से भी पहले भी पूर्व में बातचीत हुई थी, तो लगातार प्रयास जारी है, पता नहीं कब तक होगा। और एक यहाँ पर जो है ना दानापुर का जो ठहराव हुआ था ऐसे नहीं हुए थे, यहाँ बहुत जरूरी था, यहाँ से दूध बेचने के लिए लोग कटिहार जाते थे, और कटिहार से जब जो आते थे वापस तो पुनः वही एक दानापुर कैपिटल एक्सप्रेस था जो कि उसी गाड़ी से आता था, वो जिसका ठहराव नहीं था, लोग जो है ना उसको अवैध ढंग से आकर के भी वो गाड़ी को रोक कर यहाँ उतरते थे। किन कारणों से बंद हो गया? यहाँ तो कह रहे हैं कि राजस्व की कमी हो गई जिनके कारण से। आरक्षण की यहाँ सुविधा नहीं थी, लोग आरक्षण के लिए नवगछिया जाते थे, इसीलिए ऐसा हुआ था, इसीलिए आरक्षण का भी सुविधा दिया जाए। और साथ साथ जो है वो ऐसे नहीं रुका हुआ था, वो हमारे यहाँ के इलाके के लोग रंगरा गाँव के जो थे उसके दानापुर जो थे शहीद हो गए थे, इसीलिए ये गाड़ी यहाँ ठहरा हुआ था, पुनः इसको ठहराव दिया जाए और इंटरसिटी का भी ठहराव दिया जाए जो कि हम लोग का ये मांग है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग ये दोबारा धरना दिए हैं, हो सकता है अगर में आकर हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे। भागलपुर के इसाकचक में मां बुढ़िया काली स्थान के नजदीक स्थित डेस्टिनी कंप्यूटर सेंटर में फेयरवेल और कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, जिसमें शेरनी दल के अध्यक्ष सपना भारती, वार्ड 48 के पूर्व पार्षद रामाशीष मंडल, लोक गायिका अर्पिता चौधरी, शिक्षक राजकुमार शर्मा मौजूद थे। सभी अतिथियों के द्वारा बच्चों को कंप्यूटर के महत्व के बारे में बताया गया और सभी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान आराध्य और युवराज के द्वारा सुंदर नृत्य की प्रस्तुति भी की गई। वहीं अर्पिता चौधरी ने गाना गाकर सभी का मन मोह लिया। भारत ने भी शानदार प्रस्तुति दी। डेस्टिनी कंप्यूटर संस्था के डायरेक्टर दीपक शर्मा के द्वारा सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। साथ ही उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में जॉब हासिल किया है। कार्यक्रम में मंत्र संचालन गायत्री गुप्ता के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में डेस्टिनी के सभी छात्रों का सहयोग रहा। मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र रेलवे कॉलोनी बरारी द्वारा 3 माह का मंजूषा कला प्रशिक्षण 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हुआ। इस प्रशिक्षण में प्रतिभागी को सरकार के माध्यम से चयन किया गया है। 10 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित एवं प्राचार्य श्रीमती सुमना के द्वारा दिया जा रहा है। प्राचार्य ने कहा कि युवाओं को स्वावलंबी और रोजगार से जोड़ने के लिए अपनी कला संस्कृति लोक कला का प्रशिक्षण अति आवश्यक है। वहीं मंजूषा गुरु मनोज पंडित ने कहा कि आज के युवा ही अपनी सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें जागरूक करना अति आवश्यक है। प्रत्येक माह प्रशिक्षण ले रहे प्रतिभागी झुग्गी झोपड़ी में जाकर मंजूषा कला के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। अंत में सभी प्रतिभागियों का सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा लेकर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जो प्रतिभागी प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे उन प्रतिभागियों का वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आर्टिजन कार्ड भी बनवाया जाएगा। प्रतिभागियों में वर्णिका बिंद, कशिश कुमारी, अनुराग, अरविंद कुमार, प्रेम राज, पूजा कुमारी, शालिनी कुमारी शामिल हुए। सभी प्रतिभागी उत्साहित होकर मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित और प्राचार्य सुमना से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा भागलपुर के आसपास
के प्रतिभागियों को 3 माह का मंजूषा कला प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा और इसमें साक्षात्कार के माध्यम से 10 प्रतिभागी का चयन किया गया है। यह कला प्रशिक्षण प्राप्त कर आगे हमारे प्रतिभागी स्वावलंबी हो सकते हैं, रोजगार मुखी हो सकते हैं। यहाँ के युवाओं को प्रशिक्षित करना अति आवश्यक है। मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र द्वारा युवा और युवतियों को 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हुआ है। मंजूषा कला का प्रचार प्रसार करने के लिए किया जा रहा है, जागरूक करने के लिए और रोजगार से देने की संभावना होती है। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत देरा क्षेत्र में शौच करने गए 60 वर्षीय वृद्ध की धसना गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान रानी देरा क्षेत्र के रहने वाले चंद्रमंडल के रूप में हुई है, जिसकी उम्र तकरीबन 60 वर्ष की है। वहीं मृतक के भतीजे ने बताया कि वो प्रत्येक दिन सुबह शौच के लिए गंगा किनारे जाया करते थे, अचानक आज धसना गिरने से मौत हो गई। सबको पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्जे में ले गया है। वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक चंद्रमंडल किसानी का काम किया करते थे। मैंने लेटरिंग गया था गंगा की नदी के बगल में, लेटरिंग किया, उसके बाद जो है कि धसना गिर गया उसी के ऊपर में, नदी में चला गया, चपा गया मिट्टी के अंदर में। उसके बाद उसको खोजे, 2-4 दिन उसको पूरा ढूंढ लिए उस जगह, नहीं मिला, तब जो है कि कल मिला है। कब घटना घटी? जनवरी में 20 तारीख को हुआ था। सब अभी मिला? हाँ, अभी कल मिला है। और 1 महीने से लापता था, सब नहीं मिला? नहीं नहीं, जनवरी फरवरी मार्च में मिला है, 3 महीना। 2 महीना हो गया। तो सबका शिनाख्त कैसे किया आप लोग, कैसे पहचाने किया आप ही के परिजन? उसके पास में पैसा भी था, सूटर भी पहना हुआ था, टोपा भी लगा हुआ था उसके सर में। अच्छा, कहाँ से बरामद हुआ सब? रानी दियारा। अच्छा, रानी दियारा उसका नाम चंद्र मंडल था। कौन थाना क्षेत्र से थे वो? एकचारी थाना का था। क्या उम्र होगा उसका? उम्र होगा 60 के लमसम। क्या काम करते थे? खेती गृहस्थी में काम करता था। आप हाँ, कौन थे? उसका हम भतीजा हुए। क्या नाम हुआ? मेरा प्रकाश कुमार मंडल।